ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दिनेश शाह के इटावा से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ है। जी दिनेश, क्या खबर है ताजा? उत्तर प्रदेश में जो संग्राम, सत्ता संग्राम चल रहा है इस वक्त, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के मध्य उसकी बीच में, हालांकि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने सब कुछ ठीक होने का दावा पूरी तरीके से कर दिया है, लेकिन जिस तरीके की खबरें अंदर खाते से निकल करके बाहर आ रही हैं, उसमें इस बात की तस्दीक की जा रही है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको जो पीडब्ल्यूडी विभाग था पहले मिला हुआ, वो अब आज की तारीख से वापस नहीं दिया जाएगा। वापसी ना देने के पीछे तमाम तर्क बताए गए हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को दे दी है और संभवतः इस बात पर अंदर खाने में सहमति भी बना ली गई है। अब शिवपाल सिंह यादव को ये बात पता है या नहीं है, ये इस बात की जानकारी पुष्ट तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन इतनी बात तय हो चुकी है कि शिवपाल सिंह यादव को पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्रालय नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि इस पर खुद अखिलेश यादव की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। दूसरी एक बड़ी बात और बड़ी खबर ये बताई जा रही है कि गायत्री प्रजापति के साथ में मंत्रालय से बाहर किए गए, सरकार से बाहर किए गए राजकिशोर सिंह की भी वापसी गायत्री प्रजापति के साथ में ही होगी। कितने दिनों बाद होगी ये नहीं स्पष्ट है, लेकिन दोनों लोगों को एक साथ सरकार में एंट्री मिलेगी, ये बात पुष्ट तौर पर बोली गई है और अंदर खाने में इसका भी खाका तैयार कर लिया गया। हालांकि अभी राजकिशोर सिंह के नाम के बारे में सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सरकार में बैठे हुए जो करीबी लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को तस्दीक कर दिया है कि राजकिशोर सिंह को भी उत्तर प्रदेश की सरकार में एंट्री गायत्री प्रजापति के साथ में एक बार फिर से मिलेगी। जी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया दिनेश शाह के इटावा से।